नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 20 मजेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं और पता नहीं आपको इसमें से कितना याद होगा। आप लोग एक बार जांच लीजिए कि 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप लोगों को याद है, क्योंकि ये प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को मिस मत करना, ऐसा वीडियो आपको बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम कैसा तत्व है, ये पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोगों का पहला उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम एक सक्रिय तत्व है। और साथ में साथ दोस्तों, इसको हम लोग शून्य वर्ग के भी नाम से जानते हैं, इस तत्व को हम लोग शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह दोस्तों ग्रुप 18 का तत्व होता है, यह ग्रुप 18 का तत्व होता है, इसलिए इसको हम लोग शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है दूसरा नंबर। दोस्तों दूसरा नंबर आपसे प्रश्न कह रहा है ना कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। जल में, यानी कि दोस्तों जल में हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन माने तो H2O, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2O, और H2 में पहले हाइड्रोजन के परमाणु दो हो जाएंगे और ऑक्सीजन के परमाणु एक हो जाएंगे, तो 2:1 मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आ होगा बी नंबर, और ऑप्शन नंबर ए नंबर में भी दिया है 2:1। ठीक है, तो बाय द वे मिस्टेक हो गया, लेकिन आप लोगों का आंसर क्या होगा, 2:1 ही होगा। इसको याद रखना, 2:1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका तीन नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर आवर्त पूछा है, आवर्त का मतलब वो दोस्तों 36 कतार कितने होते हैं, आवर्त का मतलब हुआ 36 कतार कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। ध्यान में रहे, आपका आंसर मिलेगा 7 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका है सिलिका क्या है, ये बहुत लड़के गलती कर बैठते हैं, सिलिका क्या है। दोस्तों याद रखना, एक है आपका सिलिका, और सिलिका का दोस्तों बाद एक आता है सिलिकॉन, क्या आता है, एक आपका आता है दोस्तों सिलिकॉन, मैं दोनों का नाम लिख देता हूँ, सिलिकॉन आता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में यह रखना है कि सिलिका और सिलिकॉन में बहुत फर्क होता है, सिलिकॉन का सूत्र होता है SI, जबकि सिलिका का सूत्र होता है SiO2 होता है, तो दोस्तों इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे दोस्तों हमारा आंसर होगा उपधातु इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों सिलिका में ना ऑक्सीजन और सिलिकॉन का मिश्रण होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं उपधातु बोलते हैं। और जबकि सिलिकॉन जो होता है SI, जिसकी परमाणु संख्या 14 होता है, वो दोस्तों एक अधातु होता है। लेकिन ये जो सिलिका है ना, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिश्रण पाया जाता है, इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका है पांच नंबर। ये प्रश्न है आपका कि सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड क्रियाशील मूलक कौन है। तो दोस्तों OH का क्रियाशील मूलक कौन है, तो यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, तो अल्कोहल है, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका सिक्स नंबर। ये सिक्स नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, आंसर मिलेगा आपका बी नंबर वाला। ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 30.5 के से किलो, जे से जूल, और यहां पर प्रति और MOL यानी कि मोल होगा। ठीक है, तो याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका आठ नंबर। ये प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में दोस्तों 4 कोष्ठक होते हैं, सबको पता है। अगला क्वेश्चन आपका है नौ नंबर। ये प्रश्न है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग, तो दोस्तों लगभग में पूछा है, तो 180 mmHg का हो जाएगा, 180 mmHg का लगभग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है दस नंबर। ये प्रश्न है कि पौधे में वत प्रसर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वत प्रसर्जन किस भाग में होता है, तो दोस्तों हमारा होता है पत्ता जो होता है ना, आप लोग पत्ता देखे हो ना, किसी भी चीज़ का पत्ता में होता है, ठीक है, वत प्रसर्जन। ठीक है, अब याद रखिए अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवाहन द्वारा पृथक करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या होगा जी, नाइट्रोजन, जिसका संकेत Na होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो ये क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, हाइड्रा में प्रजनन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा में अगर प्रजनन पूछा गया है ना, तो बहुत लड़के इसका आंसर मतलब इधर उधर टीक लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका आंसर थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। हाइड्रा में दोस्तों प्रजनन अलैंगिक जनन होता है, लेकिन अलैंगिक जनन को हम लोग ना द्विखंडन के नाम से जानते हैं, और इसका एक और नाम होता है। ठीक है, आप इसका मुकुलन लैंगिक मत ठीक लगाना, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 13 नंबर। ये प्रश्न है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। दोस्तों इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगर हाइड्रा में प्रजनन पूछा है ना तो अलैंगिक जनन द्वारा होगा, लेकिन अलैंगिक जनन नहीं दिया है इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाते हैं, ठीक है ना। तो 13 नंबर तो बता दिया। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, ये प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, तो दोस्तों अधिक किसका होगा, तो जिसका तरंग धैर्य इधर ज़्यादा होगा उसका झुकाव कम होगा, जिसका तरंग धैर्य कम होगा उसका झुकाव अधिक होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिलेगा, किसका झुकाव अधिक होगा, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए बैगनी कलर, यहाँ पर डी नंबर में नहीं दिया है, मैं डी नंबर में लिख देता हूँ बैगनी कलर, डी नंबर में मैं क्या लिख देता हूँ, बैगनी कलर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बैगनी पर ही टिक लगाना, क्योंकि बैगनी कलर हो रहा, बैगनी कलर अगर नहीं दिया रहेगा तो नीला कलर दिया होगा, तो आप लोग नीला कलर पर भी टिक लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला मैं प्रश्न की बात करूँ 17 नंबर, तो ये प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, दोस्तों R बराबर V बटे I होता है, ये हम लोगों ने ओम के नियम से भी देखा है, R बराबर V बटे I होता है, समझ रहे हो ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, ये प्रश्न कहा था कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनेमो मतलब क्या होता है दोस्तों, जनित्र को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक और नाम जनरेटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से दोस्तों दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, आप लोगों को याद रखना है, बैटरी नहीं है कि बैटरी से केवल दिष्ट धारा प्राप्त होगा, ये डायनेमो है, डायनेमो से प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो देखो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर हमेशा साफ जल में रहते हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा दोस्तों डेंगू का मतलब कि डेंगू होता है तो हमारा एक शहर है मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी है भोपाल, भोपाल में दोस्तों डेंगू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डेंगू मच्छर साफ जल से ही पैदा होते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे आ गया कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं, तो आप लोग बताइए कि वो गंदा जल में पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे साफ जल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं 20 नंबर, तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा मिल जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन हो ही गया ना, 20 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने जांच लिया होगा कि कितना हमारा सही था या फिर कितना गलत था, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।